नमस्कार, मैं शुभकरण, सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए ईएफएम पेपर प्रथम राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण में यूनिट संख्या फिफ्थ पांचवी यूनिट का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि अध्याय 19 में राजस्थान में औद्योगिक विकास और औद्योगिक वित्त के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम महत्वपूर्ण टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक राजस्थान के औद्योगिक विकास की विभिन्न संस्थाओं की भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे कि राजस्थान में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए या उद्योगों के विकास करने के लिए ऐसी कौन कौन सी संस्थाएँ हैं जो कि तीव्र गति से विकासरत हैं या विकास कर रही हैं, उद्योगों में क्रमबद्ध विकास कर रही हैं। उन संस्थाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो राजस्थान के उद्योगों के बढ़ावा देने के लिए उसके क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। तो इस प्रकार से हम बात करें कि राजस्थान विगत वर्षों में राज्य सरकार औद्योगिक विकास के लिए अनेक प्रयास कर रहे हैं, जिनमें से राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड रिको और निवेश संवर्धन ब्यूरो की अहम भूमिका रही है। तो इस प्रकार से राजस्थान की औद्योगिक विकास के लिए विभिन्न संस्थाओं में हम प्रथम संस्था का चर्चा करें रिको की। रिको राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड रिको भी इसे अपन कहते हैं। ये रिको की स्थापना का उद्देश्य राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम का जो मुख्य उद्देश्य है, ये औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने वाली शीर्ष संस्थाएं हैं, उद्योगों को गति प्रदान करती हैं, ये शीर्ष संस्था के रूप में मानी जाती है। रिको का प्रमुख उद्देश्य राजस्थान में योजनाबद्ध तीव्र औद्योगिक विकास को बढ़ावा या विकास करने से है। इसकी हम किस प्रकार से हम प्रगति का अध्ययन करें, इसमें आधारभूत विकास की हम बात करें सर्वप्रथम बिंदु की, आधारभूत विकास में मुख्यतः ये निगम औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना और औद्योगिक इकाइयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाती हैं, जो कि रिको के वित्तीय वर्ष 2014-15-16 में दिसंबर 2015 तक 5,678.40 एकड़ भूमि व्याप्त की गई, जो कि 544.94 एकड़ भूमि विकसित की गई। इस दौरान औद्योगिक क्षेत्रों पर वे 497.02 करोड़ रुपए वसूली और 434.01 करोड़ रही है। तो वित्तीय सहायता के रूप में ये निगम राज्य में औद्योगिक विकास हेतु महत्वपूर्ण रूप से है। दूसरा बिंदु आ जाएगा यहाँ पर वित्तीय सहायता। मुख्य रूप से यह निगम राज्य के औद्योगिक विकास हेतु मध्यम एवं लघु एवं वृहद श्रेणियों की इकाइयों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती हैं, साथ ही उद्यमियों को तकनीकी एवं प्रबंधकीय सूचनाएं भी सेवाएं प्रदान करती हैं। निगम मुख्य गतिविधि के रूप में राजस्थान राज्य के स्थापित औद्योगिक परियोजनाओं को सावधि ऋण भी प्रदान करती हैं, जो कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में दिसंबर 2015 तक सावधि ऋण की स्वीकृति 291.78 करोड़ रही, जो कि 169.79 करोड़ रुपये ऋण वितरित किए गए, जो कि सावधि ऋण की वसूली 148.62 रही है। विशिष्ट योजनाओं का भी इनमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तीसरी हम चर्चा करें विशिष्ट योजनाएं। विशिष्ट योजनाओं में SC/SP जनजाति कल्याण की योजनाएं, जो कि अनुसूचित जाति उपयोजनाओं में भी इस योजना द्वारा रिको द्वारा अनुसूचित जाति या जनजाति उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक इकाई स्थापित करने के 2,000 वर्ग मीटर तक की भूमि आवंटन पर 50% तक की विशिष्ट छूट प्रदान की गई। निगम द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमियों
को औद्योगिक विकास, औद्योगिक भूमि आवंटन, विकास शुल्क और वित्तीय वर्ष 2015-16 में 2015 तक SC/SP के तहत रिको द्वारा 42.45 लाख की विकास शुल्क में भी छूट दी गई। तो जनजाति क्षेत्र में भी इसकी अहम भूमिका रही और भी केंद्रीय अनुवर्ती योजनाओं को भी लागू किया गया, जिसमें केंद्रीय प्रवर्तित योजनाएं, केंद्रीय प्रवर्तित योजनाओं में भी इसमें महत्वपूर्ण रूप से वर्तमान में 51 योजनाओं में से 25 योजनाएं पूर्ण की जा चुकी है, जिसमें 6 योजनाएं कार्य प्रगति पे है। इस योजनाओं का वित्तीय वर्ष 2015-16 दिसंबर में लगभग 344.10 करोड़ रुपए व्यय किए गए। तो लघु विकास केंद्र की भी इसमें गठन किया गया, जिसमें मुख्यतया लघु उद्योगों के विकास के लिए ग्रामीण एवं अविकसित क्षेत्रों में एकीकृत श्रृंखला प्रदान करने के लिए लघु केंद्र की स्थापना की गई, जिसमें 3,361.54 लाख के अनुदान के साथ 10,435.46 लाख परियोजनाओं की लागत में 15 परियोजनाओं को स्वीकृति भी दी गई, जिसमें योजना हेतु भारत सरकार हेतु 2,089.27 लाख जारी किए जा चुके हैं, जिसमें दिसंबर 2015 तक 7,234.51 लाख रुपये भी व्यय किए जा चुके हैं। तो इस प्रकार रिको द्वारा भी विकसित पार्क गठित किए गए, जिसमें जापानी पार्क, कोरियन निवेश क्षेत्र को भी सम्मिलित किया गया है, जो कि एक अहम भूमिका के रूप में सहायक तरीके से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को शामिल करके इनको किया गया है। तो निगम द्वारा दी गई महत्वपूर्ण गतिविधियाँ, परियोजनाओं को भी रिको द्वारा जयपुर में एक विशेष आर्थिक जोन की स्थापना की गई है, जिसमें 10,000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। तो इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2015 में दिसंबर तक लगभग 2015 तक महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर लिमिटेड में करीब 2,558 करोड़ रुपये भी क्या किए गए हैं, निवेश किए गए हैं, जो अब तक 556 करोड़ रुपये का निर्यात हो चुका है, जो कि 7,596 लोगों को प्रत्यक्ष एवं 3,119 लोगों को परोक्ष रोजगार के रूप में भी सृजन किए गए हैं। तो ये भी है, तो अहम भूमिका के रूप में रिको की एक सहायक सार्थक रही है। अगला हम चर्चा करेंगे राजस्थान वित्त निगम। तो राजस्थान औद्योगिक विकास की विभिन्न संस्थाओं में अगली पढ़ेंगे राजस्थान वित्त निगम। RFC, राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। RFC की स्थापना लगभग अपने वित्तीय नियमन अधिनियम 1951 के तहत 1955 में की गई। RFC क्या है, इनके बारे में हम संक्षेप में जाने कि RFC राजस्थान वित्त निगम की स्थापना राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के तहत 1955 में की गई। वित्त निगम की स्थापना का उद्देश्य राज्य में नवीन उद्योगों की स्थापना, विद्यमान उद्योगों के विस्तारीकरण एवं नवीनीकरण हेतु 20 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाएगी, जिसमें निगम द्वारा उद्यमियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऋण योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही है, जिसमें सामान्य परियोजना ऋण योजना, सर्विस सेक्टर योजना, वाणिज्यिक रिटेल सेक्टर हेतु योजना और भी विशेष सर्विस सेंटर योजना का भी महत्वपूर्ण रूप से गठन किया गया। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण रूप से सरल योजना के तहत भी अहम भूमिका रही है। प्राकृतिक आपदाओं ग्रसित इकाइयों हेतु इस योजना में मध्यम और लघु उद्योगों के टॉपअप युक्त योजना में मार्बल प्रोसेसिंग यूनिट के तहत भी विभिन्न योजनाओं का गठन किया गया। तो RFC राजस्थान वित्त निगम एक अहम रूप से विभिन्न प्रकार के निर्णय लिए गए 2015-16 में, जिसमें राजस्थान सरकार के युवा उद्यमियों के प्रोत्साहन के लिए युवा उद्यमियों के प्रोत्साहन योजना YUPI दिनांक 19/4/13 से प्रारंभ की गई योजना को अत्यधिक व्यवहारिक व्यापक बनाने हेतु राज्य सरकार के कुछ संशोधन करके 45 वर्ष की आयु तक IIT डिप्लोमा स्नातकधारी पात्र योजना को 500 लाख रुपए का ऋण भी इसके द्वारा दिया गया। विभिन्न प्रकार के राजस्थान वित्त निगम में
एमएसएमई उद्योगों को बढ़ावा के लिए अपनी ब्याज दरों की कटौती हेतु वर्तमान में 12% ब्याज दर ऋण उपलब्ध करवा रही है, जो कि वित्त निगम की एक योजना भी प्रारंभ की गई, जिसके तहत होटल व हॉस्पिटल रिको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में आवंटित भूमि को ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो राजस्थान में सोलर ऊर्जा की प्रचुर मात्रा उपलब्धता को देखते हुए ये योजना प्रारंभ की गई। तो इस प्रकार से ये अहम रही है। तीसरी, हम विभिन्न प्रकार की उपलब्धियां रही हैं विभिन्न योजनाओं के या विभिन्न वर्षों में ऋण वितरण में और ऋण वसूली में। अगला, हम राज्य वित्त निगम या फिर विभिन्न संस्थाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड राज्य का सार्वजनिक क्षेत्र का ये उपक्रम है, जो कि मुख्य रूप से राज्य के खनिज व औद्योगिक खनिजों के विपणन हेतु कार्य कर रही है। तो कंपनी का मुख्य उद्देश्य भी लागत प्रभावी तकनीक का प्रयोग करते हुए खनिज संपदा का आधुनिक तकनीकों का दोहन करना है। प्रारंभ में भी खनिज क्षेत्र में खनिजों के अन्वेषण खुदाई के लिए नई दिशा प्रयास कर रही हैं, जो कि कंपनी के बढ़ते उत्पादन उच्च लाभ की ओर अग्रसर भी हो रही है। तो इस प्रकार इनमें विभिन्न प्रकार की देखें, जिसमें ऑयल व गैस, राजस्थान में खान व खनिज लिमिटेड में राज्य में तेल व प्राकृतिक गैस के दोहन एवं विकास के लिए पेट्रोलियम निदेशालय की स्थापना की गई, जिसमें वर्ष 2015-16 में विभिन्न क्षेत्रों में संचालित गतिविधियां की गई, जिसमें तेल, प्राकृतिक गैस, कोलवेड और मिथेल कुओं की खोज को शामिल किया गया। 2015-16 में भी दिसंबर 2015 तक 65 तेल कुपों की खुदाई की गई, जिसमें 49 कुपों के छिद्रण हेतु महत्वपूर्ण रूप से भूमिका का निर्वहन किया गया, जो कि 2015-16 में भी अब तक कुल 4.2 मिलियन बेरिन तेल के भंडार अकेले बाड़मेर सांचौर बेसिन में पाए जाते हैं। तो राजस्थान राज्य व खान खनिज लिमिटेड के तहत ये भी प्रोग्रेस रही है, जो कि राजस्थान के बाड़मेर तेल खनिज तेल का उत्पादन लगभग देखें तो 29 अगस्त 2009 से प्रारंभ हुआ है, जो कि लगभग 447.33 लाख मेट्रिक टन 323.57 मिलियन बेरी कच्चे तेल का दिसंबर 2015 तक उत्पादन भी हुआ है। तो इस प्रकार भारी तेल के दोहन हेतु विकास हुआ है विभिन्न क्षेत्रों में। राजस्थान राज्य खान खनिज के रूप से महत्वपूर्ण रूप से रही है। तो गेल के साथ भूमिगत कोयला व गैसीकरण के लिए अनुबंध पत्र भी UGC के द्वारा गठित किया गया। अन्य गतिविधियों पर भी विशेष ध्यान दिया गया, जिसमें राजस्थान के मिड स्क्रीम व ड्राउनशिप क्षेत्रों में भी सबल संभावनाएं व्यक्तित की गई, जिसमें राजस्थान के 4 पेट्रोलियम बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर, सांचौर बेसिन, बीकानेर, नागौर बेसिन में लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर तक कुल 21 ब्लॉक्स में भी चिन्हित किया गया, जो कि पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित बाड़मेर सांचौर बेसिन में जैसलमेर में 4 नए ब्लॉक भी गठन किए गए। तो निवेश निर्वधन ब्यूरो के रूप में भी काफ़ी बढ़ावा मिला है और रीजेंट राजस्थान पार्टनरशिप समिट 2015 के रूप में भी अहम तरीके से भूमिका का निर्वहन हुआ है। तो इस प्रकार हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि राजस्थान में औद्योगिक विकास की कौन कौन सी प्रगति रही है और उसकी प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं, उनके बारे में हम संक्षेप में अध्ययन करेंगे कि राजस्थान के औद्योगिक विकास की कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न हुई हैं, उनके बारे में हम संक्षेप में अध्ययन करेंगे। जो कि हमने आज अध्ययन किया कि राजस्थान में औद्योगिक विकास की विभिन्न संस्थाओं में 3 संस्थाएं एक अग्रणी भूमिका निभा रही हैं, जिसमें पहली है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम लिमिटेड रिको, और दूसरी थी राजस्थान वित्त निगम RFC, राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो विभिन्न संस्थाओं को एक विभिन्न लोन सुविधा उपलब्ध या विभिन्न
मध्यकालीन दीर्घकालीन की सुविधा उपलब्ध कराती है। तीसरी राजस्थान राज्य खान निगम लिमिटेड। अब अगले वीडियो में इसकी प्रगति और उसकी समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू।